वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फटाफट से लाइव आ जाइए बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि केवीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है जैसा कि सुनने में आ रहा है कि केवीएस का एग्जाम आपका बहुत जल्दी या कभी भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए शेयर कर दीजिए वीडियो को ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको ये टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले फटाफट पड़ से लाइव आ जाइए बच्चों वेरी गुड वेरी गुड आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर यू ओके स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए हाँ तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्वेश्चन पेपर ठीक है क्वेश्चन पेपर हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं चलिए पहला प्रश्न जैसा आपको दिखाई दे रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला प्रश्न करेंगे पहला प्रश्न जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि नियम के अनुसार खुली पुस्तक बहुत से से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। क्या होता है कि किताबों का उपयोग बढ़ता है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताइए बच्चों खुली पहुँच से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है ये कौन सा लॉ है जल्दी बताइए बच्चों वेरी गुड रिया कुमार कह रहे हैं दूसरा बी यानी थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फटाफट आ जाइए और बाकी बच्चे वैसे तो ये फर्स्ट लॉबी है सेकेंड लॉबी है थर्ड लॉबी भी और फोर्थ लॉबी है ओपन एक्सेस से टाइम भी बचता है उपयोग भी बढ़ता है सभी लॉ है ठीक है लेकिन ओपन एक्सेस सिस्टम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सेकंड थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मैं आपको क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ कि थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्यों है ओपन एक्सेस सिस्टम ज़्यादातर एग्जाम्स में ओपन एक्सेस को थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस माना गया है क्यों माना गया है आप एक मॉल में जाते हैं और मॉल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं ओपन एक्सेस को हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक मॉल से और एक किराने की दुकान से तो आप जब मॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं आप अपनी लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ प्रोडक्ट्स या जो भी आपको जरूरत का सामान है वो लेकर जाते हैं जब वो आप लेकर जाते हैं तो बच्चों ओपन एक्सेस सिस्टम में वो मॉल है कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं सबसे ज्यादा अभी जो चल रहा है डी मार्ट तो डी मार्ट है जिसमें कि हम एक नॉर्मल से लेके और एवरेज और बिलो एवरेज एंड एवरेज सभी लोग जा रहे हैं तो ओपन एक्सेस में क्या हो रहा है ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा हर व्यक्ति वो डिमांड का जो मालिक है उसने क्यों किया है ओपन क्यों किया है अपने डिमांड को ताकि उसके प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे ठीक है हंड्रेड परसेंट जब उसने डीमार्ट खोला तो उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी जब वो उसके किराना की दुकान होगी किसी भी मॉल वाले की तो उसकी प्रोडक्ट्स की उतनी बिक्री नहीं थी जितनी की उसकी प्रोडक्ट्स की बिक्री अभी हो गई है ठीक है तो पुस्तके उपयोग के लिए है या प्रोडक्ट उपयोग के लिए है पहला सूत्र ओपन एक्सेस सिस्टम से बिल्कुल सेटिस्फाई होता है है सेकंड प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले या प्रत्येक ग्राहक को उसका प्रोडक्ट मिले मिलेगा क्योंकि ग्राहक तो लिस्ट ले बनाकर गया है उसकी लिस्ट में जो भी सामान है वो अगर उसके मॉल में है डिमार्ट में है रिलायंस फ्रेश में है तो हंड्रेड मिलेगा थर्ड है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले या प्रत्येक प्रोडक्ट जो डिमांड का प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा है उसको भी ग्राहक मिले मिलेंगे क्योंकि उसने क्या किया है डिस्प्ले में लगा दिया है आपकी लिस्ट में जो सामान नहीं है वो भी आप लेकर आओगे आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स जितने आप मॉल में सामान की लिस्ट बनाकर लेकर जाते हो उससे दो चार पांच सीटें ज्यादा ही लेकर आते हो, हो के नहीं क्यों क्योंकि आपके लिस्ट में तो आटा दाल चावल साबुन था आप टूथपेस्ट तो लिखना ही भूल गए जो आपका चार दिन से खत्म है या आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है शैम्पू तो आप लिखना ही भूल गए जो कि आपको जरूरी है ही है मैं एक जनरल रीडर की या जनरल यूजर है या जनरल हमारा ग्राहक है उसकी बात कर रही हूँ तो ओपन एक्सेस से क्या हुआ वो सामान तो आया ही आया जो लिस्ट में था बट वो सामान भी आ गया जो लिस्ट में नहीं था पर हमें जरूरत थी तो इसके लिए थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लेकिन वैसे फर्स्ट भी है सेकंड भी है और फोर्थ भी है और अगर फर्स्ट थर्ड नहीं तो कहीं कहीं किसी एग्जामिनेशन पेपर में ये फर्स्ट लॉ को सही मानते हैं तो हमें इसमें एग्जामिनर के विवेक पर निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू मोस्टली एग्जामिनर इट इज रिलेटेड थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेक्स्ट है एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृत डेजर्टेशन थ्रू इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत शोध प्रबंधों की खुली पहुंच प्रदान करता है फटाफट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर टू वेरी गुड वेरी गुड आंसर्स आपके आने लगे हैं नहीं पता नहीं पता क्वेश्चन नंबर टू टू का बी रिया कुमार कह रहे हैं टू का बी चलिए देखते हैं बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली यूनिवर्सिटी है ओपन एक्सेस टू संस्कृत डेजर्टेशन थ्रू इंटरनेट दहली यूनिवर्सिटी के द्वारा संस्कृत डेजर्टेशन या संस्कृत में लघु शोध प्रबंध है उनकी इंटरनेट के माध्यम से आपको पहुंच प्रदान करती है मतलब ना तो जवाहरलाल ना तो महात्मा गांधी ना तो मद्रास यूनिवर्सिटी में संस्कृत की डेजर्टेशन एक्सेस है, है और वो भी इंटरनेट के थ्रू तो द राइट आंसर इज डेहली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निशुल्क ऑडियो बुक साइट है लिब्री बॉक्स या गूगल बुक्स फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर तीन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर तीन जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर तीन बॉक्स कौन सी है वो फ्री ऑडियो बुक साइट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट बताइए एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चन से हम कर रहे हैं इब्रेरी वर्चुआ लिब्री बॉक्स या गूगल बुक्स विच इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री हाँ रिया कुमार के अलावा और कोई नहीं है क्या बच्चों नरेंद्र दत्त ने भी सही जवाब दिया क्वेश्चन नंबर थ्री का सही जवाब रिया कुमार दे चुके हैं या दे चुकी हैं आई थ्री का आंसर है सी बिल्कुल सही जवाब है लिबरी बॉक्स कौन सी फ्री ऑडियो बुक साइट्स है फ्री ऑडियो बुक साइट्स है दिस इज लिबरी बॉक्स बॉक्स लिबरी बॉक्स है वो ऑडियो बुक साइट है ईब्रेरी वर्चुअल या गूगल बुक्स है ये बुक साइट गूगल बुक इज ऑल्सो ए बुक साइट बट यहाँ बात हो रही है ऑडियो बुक साइट की एंड लिब्री बॉक्स इज एन ऑडियो बुक साइट लाइब्रेरी है उस पुस्तकालय है एक पॉलिटिकल या राजकीय संस्था एक सोशल या सामाजिक संस्था एक इकोनॉमिक या आर्थिक संस्था इंडस्ट्रियल या औद्योगिक संस्था फटाफट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर चार जल्दी तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर चार बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया है ये मैंने कुछ आसान क्वेश्चन आएंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे का आंसर बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट आने वाला है बेटा या तो इसी मंथ हंड्रेड परसेंट आफ्टर ट्वेंटी आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है पांच का आंसर पहले दे रहे बच्चों चार का है सोशल एजेंसी

सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है इसको विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और या यूनेस्को मैनिफेस्टो ये मैंने आपको अभी क्लास में भी करवाया है क्वेश्चन बच्चों जब हमने यूनेस्को है तब भी करवाया है और रंगानाथन पढ़ा है तब भी करवाया है फटाफट फड़ बताइए क्वेश्चन नंबर पांच बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यूनेस्को कौन से ईयर का ये भी मैंने करा है यूनेस्को मैनिफेस्टो कौन से ईयर का 1949-72 या 94 बताइए उन्नीस सौ या 1949 कौन सा है यूनेस्को मैनिफेस्टो है वो 1949 में बना यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो या सार्वजनिक सूचना पुस्तकालयों का घोषणा पुत्र इसको दो बार रिवाइज भी किया गया 72 और 94 में आप मुझे बताइए ये कब की बात है 72 की है या 94 की फटाफट बताइए रिया कुमार कह रहे हैं 49 और बताइए 94 कह रहे हैं पवन तिवारी और बताइए जल्दी-जल्दी फटाफट बताइए बच्चों फोर्टी नाइन कह रहे हैं जी यू आई एम ऑल्सो थ्री ऑप्शन मेन्स वॉट आर यू सेंग सोनल फटाफट बताइए सेवेंटी टू है इसका सही आंसर नाइनटी फोर भी नहीं है फोर्टी नाइन भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इंफॉर्मेशन क्या है रॉ डेटा रॉ नॉलेज इनपुट डेटा या ऑर्गेनाइज डेटा बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छ छः का जवाब प्रश्न पढ़ते ही आ जाना चाहिए फटाफट -पट बताइए क्वेश्चन नंबर छ आंसर तुरंत चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स टोनल कह रही है बी आंसर है गलत है छठा क्वेश्चन छः का आंसर बताइए रिया कुमार डी बिल्कुल सही है ऑर्गेनाइज्ड डाटा हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है और जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इस लेवल की तैयारी तो होनी चाहिए लिटरेरी वर्ण शब्द की शुरुआत किसने की क्वेश्चन नंबर सात ऐसा रंगनाथन ई डब्ल्यू एच यू में सी ए नीलमेगन या एस सेन गुप्ता डी सेन गुप्ता फटाफट क्वेश्चन नंबर सेवन जितनी जल्दी आप आंसर दोगे उतनी जल्दी हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी गुड सेवन का आंसर बताइए का डी इज़ राइट दीपिका टू गेमिंग सोनल सुनीता प्रवण कुमार पवन तिवारी सबका सही है अब मुझे चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी आंसर आया है किसका आंसर आया है बिल्कुल सही है बी इज द राइट आंसर डब्ल्यूएचयू ह्यूमे या ई वैन धन खुल ह्यूमे ने इसको लिटरेरी वर्ण शब्द की शुरुआत की थी ठीक है और लिटरेरी वर्ण को प्रयोग किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने आठ अनुक्रम के सिद्धांतों में कायक अनुक्रम के आठ सिद्धांतों में आईएसओ 9960 इज रिलेटेड विद आईएसओ 9960 का संबंध किससे है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन सीडी रोम स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग क्वेश्चन नंबर आठ फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर का आंसर, बहुत सही अच्छे जवाब दे रहे हैं आप बच्चों तैयारी क्योंकि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम सबसे पहले रिटर्निंग वारंट शब्द डब्ल्यू एच यू में दिया बच्चे साहित्य मांग का सिद्धांत और इसको प्रयोग किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने हाँ तो हम क्वेश्चन नंबर आठ पे पहुंच गए हैं और आठ का आंसर है स्टैंडर्ड फॉर एनकैड इन एनकोडिंग डेटा ऑन सीडी रोम आईएसओ 9960 9960 इज रिलेटेड विद सीडी रोम के स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन

स्थानीय वैभिनता का सिद्धांत किससे संबंधित है स्थानीय वैभिनता का सिद्धांत इज रिलेटेड विद प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज रिलेटेड विद बच्चों कहा हो वेयर आर यू बी आंसर दे रही है ए आंसर दिया है वन कुमार बलराम प्रसाद बी दे रहे हैं सुनीता कुमारी ए दे रही है निर्मला बी और ए दोनों दे रही है पवन तिवारी बिल्कुल सही आंसर है नमे का ए कैटलॉगिंग से रिलेटेड है कैटलॉगिंग के, के जो आदर्शक सिद्धांत है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स है उसमें है एक प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन या स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर टेन है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है Every every book its reader, every reader his her book, his her book, reader, reader reader। his her the the library is a growing organism yeah, save the time of reader. Question number 10 ऑर्गेजम सेकेंड नहीं लगने चाहिए दसवें के लिए दस सेकेंड नहीं लगने चाहिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दस बहुत easy पेपर से हम शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम इसके लेवल को धीरे धीरे बहुत मीडियम से और हाई लेवल पर जाएंगे आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे चैनल पे बहुत टफ पेपर होता है दस वहां मैंने बहुत इजी पेपर से स्टार्टिंग की है और फिर हम एवरेज एंड देन हाई पर जाएंगे जिससे कि हमें सारी तैयारी हो जाए दस में डी बिल्कुल सही जवाब है पहला आंसर आते ही हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित नियम के तहत निरुपयोगी अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी निरुपयोगी यानी अनुपयोगी अनयूजफुल बुक लाइब्रेरी लॉ लाइब्रेरी साइंस अनुपयोगी पुस्तकों की छटनी कौन से पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र से संबंधित है मैंने बहुत ईजी पेपर उठाया है आज जिससे कि आप लोग भाग ना जाओ चैनल पे आते हो और भाग जाते हो कि बहुत टफ पेपर लेकर आती हैं है मैम तो बहुत ईजी पेपर उठाया है फटाफट क्वेश्चन आने चाहिए आपके क्वेश्चन नंबर ग्यारह वेरी गुड ग्यारह का आंसर बिल्कुल सही जवाब आया है फिफ्थ लॉ अनुपयोगी पुस्तकों की छटनी या छटनी जो है वो संबंधित है स्थान से और जब हम स्थान की बात करते हैं तो स्थान का संबंध है फिफ्थ लॉ से जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का संबंध है फोर्थ लॉ से जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक की इंपॉर्टेंस है थर्ड लॉ में और जब हम रीडर की बात करते हैं तो रीडर की इम्पोर्टेंस है सेकेंड लॉ में और जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस है फर्स्ट लॉ में ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बहुत इजी पेपर लेकर आई हूँ मैं आज जो एकदम बिलो एवरेज है एवरेज भी नहीं है ये पेपर और मुझे लगता है कि सब बच्चों को जवाब देने चाहिए हर बच्चे को जवाब देना चाहिए क्लासिफिकेशन में एक्स क्या है सोशोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर बारह बारह में सी गेमिंग वेरी गुड बहुत अच्छा जवाब है अब आपको क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस जो पेज नंबर दो पॉइंट चार पर है याद करनी है एक क्वेश्चन बनता ही बनता है चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह में हम आ गए हैं एंड क्वेश्चन नंबर तेरा है सर्च इंजन जैसे वेब बेस्ड प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है सर्च इंजन इज यूजली अ वेब बेस्ड सिस्टम फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ईमेल सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेब सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन लैपटॉप और सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डेटाबेस फटाफट फड़ बताइए सर्च इंजन किसके लिए है ईमेल से सूचना खोजता है वेबसाइट से सोर्स खोजता है लैपटॉप से या डेटाबेस से बहुत ही इजी क्वेश्चन है बारहवीं कक्षा का प्रश्न है फटाफट फड़ बताइए क्वेश्चन नंबर तेरा क्वेश्चन नंबर तेरह वेरी गुड वेरी गुड फटाफट बच्चों हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये कंटिन्यू रहेगी तेरा में ए आंसर दिया है निर्मला गोदारा ने ईमेल से सर्च इंजन काम करता है और बताइए नीरज कुमार वर्मा ने सही जवाब दिया है बलराम ने सही जवाब दिया है दीपक मनीष ने सही जवाब दिया है बिल्कुल वेबसाइट पे काम आता है सर्च इंजन सर्च इंजन है वो वेबसाइट के लिए काम आता है ईमेल के लिए तो इंटरनेट भी काफी है लैपटॉप के लिए इंटरनेट भी जरूरी नहीं है सर्च इंजन भी जरूरी नहीं है डेटाबेस के लिए भी आपके पास एक कंप्यूटर होना जरूरी है नेक्स्ट है। वन ऑफ़ द ऑथराइज यूजर मेक बल्क डाउनलोडिंग ऑफ ए जनरल यूजिंग रोबोट्स एंड कंसिक्वेंटली लाइसेंस लाइसेंस ब्लॉक एक्सेस टू ऑफ द जनरल वॉट मे बी दोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लाइब्रेरियन शुड इनिशियट लाइब्रेरी में एक यूजर आया है और क्या किया जा रहा है किसी भी लाइब्रेरी में एक यूजर आया है और क्या किए जा रहा है बच्चों वो किसी भी वेबसाइट से किसी भी एक आपका कोई भी मान लीजिए इनफ्लिपनेट का कोई डेटाबेस है वहां से उसने क्या किया अनऑथराइज्ड अनऑथोराइज है वो यूजर अनऑथराइज है और लगातार लगातार डाउनलोड कर रहा है अधिकृत उपयोगकर्ता रोबोट का उपयोग करके बल्क डाउनलोडिंग कर रहा है जिसके फलस्वरूप लाइसेंसनर पत्रिका के जिससे क्या किया इनफ्लिबनेट या डेलनेट या जो भी लाइसेंस देने वाली संस्था थी उसने क्या कर दिया उस इंफ्लिबनेट या डेलनेट की इस जो पत्रिका थी जो जनरल थी उस पर रोक लगा दी अब लाइब्रेरियन क्या करेगा क्या करेगा कैंसिलेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द सैड यूजर जो उपयोग करता है उसका ऑथेंटिकेशन रद्द कर देगा कैंसिल कर देगा। देगाउट प्रेयर वो जो भी संस्था है उससे कहेगा पूर्व सूचना के बिना आपने कैसे इसको सेंसर किया या ब्लॉक किया इन्वेस्टिगेट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स जांच करें और उपाय करें प्रतिबंध के बारे में उपयोगकर्ता समुदाय को समुचित सूचित करें। नोटिफाई यूजर कम्युनिटी ऑफ यूजर्स रेस्ट्रिक्शन बताएं कि आप क्या क्या काम करोगे तो आप पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है क्वेश्चन नंबर चौदह फटाफट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बहुत ही इजी क्वेश्चन है चौदह रिजल्ट डेट आने वाला है बच्चे बीस तारीख के बाद कभी भी आ जाएगा चौदह का फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर चौदह डी आंसर कह रहे हैं चौदह का गलत है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भाग गए क्या बच्चे सारे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देके भाग गए आ, बलराम प्रसाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर चौदह का जवाब सी सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर चौदह का जवाब सी एक दो एक और तीन सही है पहला क्या है सबसे पहले लाइब्रेरियन क्या करेगा उस यूजर का स रद्द उस यूजर का क्या करेगा ऑथेंटिकेशन या उस यूजर का और पासवर्ड बंद को क्या करना है उस यूजर यूजर ने की की यह गलती तो की सबसे पहले लॉग इन आईडी पासवर्ड या उसका यूजर का ऑथेंटिकेशन है उसको कैंसिल करें फिर जांच करें और अब कैसे वो और कोई यूजर इस प्रकार की गलती ना कर पाए और कोई यूजर इस प्रकार की गलती ना कर पाए इसके लिए क्या करना होगा ये सब सुधारात्मक उपाय करें। उपयोगकर्ता समुदाय को सूचित करने से क्या होगा कुछ नहीं वायरल होगी सूचना बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं उसने किया तो हम भी कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो डू हम भी गलत काम कर सकते हैं और उस संस्था को अगर उसने हमारी जो एक्सेस है उसको बंद किया तो वो तो सही है आपने अनऑथोराइज डाउनलोड की है तो डेलनेट या इनफ्लिपनेट को गलत ठहराने से क्या फायदा होगा जिस यूजर ने गलती की है उसका ऑथेंटिकेशन या उसका अलॉगिन आई पासवर्ड बंद करो चेक करो और आगे हम ऐसा कोई और यूजर ना कर पाए इसके लिए हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें तो सो राइट आंसर है वो है वन एंड थर्ड इज द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पंद्रह के इंडेक्स में कीवर्ड है KW है की तो इंडेक्सिंग का क्वेश्चन भी आपके आएगा फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर फटाफट बताइए अगर आपने इंडेक्सिंग पढ़ी है तो आपको पता है के डब्ल्यू आई सी है वो है टाइटल पर आधारित टाइटल पर आधारित इंडेक्सिंग based upon title indexing scheme which is based upon title so that's why the answer is c Derived from the title yahan par kwiss ic mein jo keywords hain woh nikale jaate hain title se theek hai bachcho chaliye next question hai 16 the invisible web refers to yaro bari question aa gaya hai adrish web kya hai the internet since we cannot see

वॉट इज मतलब क्या है इनविजिबल वेब रेफर्स टू यहाँ पे इनविजिबल वेब का संबंध किससे है क्वेश्चन नंबर सोलह बताइए इनविजिबल वेब देखिए वेब का संबंध ही जब हम वेब बात कर रहे थे सर्च इंजन से था तो इंटरनेट का वो पार्ट जो सर्च इंजन से छिपाया हुआ है दैट इज कॉल्ड इनविजिबल वेब जब हमने वेब बेस पढ़ा था ऊपर तो सर्च इंजन जोड़ा था तो इंटरनेट का वो बार जो सर्च इंजन से छुपाया गया है इनविजिबल वेब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर सत्रह निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार कक्षा में नहीं है विच ऑफ नॉट पावर ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी प्रोवाइडिंग लैंड्स एंड बिल्डिंग लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी है वो भूमि और इमारत नहीं दे सकती क्लोजिंग द लाइब्रेरी किसी लाइब्रेरी को बंद नहीं कर सकती इनएक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं कर सकती और कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकती कर्मचारी वर्ग को नियुक्त नहीं कर सकती हमने पूछा नहीं है तो मैंने नहीं लगा दिया है सारे ऑप्शन में जिससे कि कंफ्यूजन आपको नहीं हो क्वेश्चन नंबर सत्रह फटाफट बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सत्रह बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सत्रह का सोलह बिल्कुल सही आ रहा है सत्रह का बताइए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है सत्रह बलराम बिल्कुल सही है नहीं बलराम सत्रह का जवाब बता दीजिए आप सत्रह क्वेश्चन नंबर सेवेंटी गलत है सत्रह का जवाब हेलो नंदला डॉग्स डायरी फटाफट बोलिए सत्रह का बी गलत है वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं कर सकती बच्चों लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं लागू कर सकती है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या तो स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी लाइब्रेरी को बंद कर सकती है पब्लिक लाइब्रेरी प्राधिकरण जमीन और बिल्डिंग दे सकती है कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकती है केवल और केवल लाइब्रेरी एक्ट है इस लाइब्रेरी एक्ट को या तो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है लाइब्रेरी एक्ट को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 सियाजीराव गायकवाड़ एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सियाजीराव गायकवाड़ ने कौन सी लाइब्रेरी बनाई थी एकेडमिक पब्लिक नेशनल या स्पेशल क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट बताइए कौन से गायकवाड़ थे डब्ल्यूए बार्डन कब आए ये सब तो आपने पढ़ लिया लेकिन 18 में बताइए कि श्याजीराव गायकवाड़ ने कौन सी लाइब्रेरी की स्थापना की थी फटाफट फटाफट बच्चों 18 क्वेश्चन नंबर 18 बी बिल्कुल सही जवाब है पब्लिक लाइब्रेरी डॉन डिकेंसन ने एकेडमिक लाइब्रेरी क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आए थे तो असाडन डिकेंसन का डेवलपमेंट रहा है एकेडमिक लाइब्रेरी से डब्ल्यू ए मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है कीबोर्ड बोर्ड ओ एम आर ओ सी आर या प्लोटर इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है फटाफट बताइए बच्चों विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर उन्नीस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी उन्नीस नंबर का क्वेश्चन इसमें डी बलराम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है प्लॉटर इज द राइट आंसर कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड सही तो करते हो बच्चों किस संगठन संगठन ने सूचना नीति पर भारत का समर्थन किया व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इन इंडिया द इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन्सडॉग नेसाद डसीडॉग या नेक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या इंडियन नेशनल साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर या नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिफेंस साइंस से रिलेटेड फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर बीस किस संगठन ने सूचना नीति पर भारत का समर्थन किया है विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इन इंडिया द इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी बताइए जवाब क्वेश्चन नंबर बीस सही जवाब है निसात सूचना निधि पे भारत का समर्थन किया है निसात ने आप लोग निग देख रहे हो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से लेकिन द राइट आंसर है वो है बी बीस में का राइट आंसर डी नहीं है बच्चों बी इज द राइट आंसर अरे भाई बी है बी निसात। इंडिया की इंफॉर्मेशन पॉलिसी में निशात ने सहयोग किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तो इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करने में सहयोग किया है नेक्स्ट है हो तो वो कौन सी है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस वेरी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस या रेफरेंस सर्विस फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्वेश्चन नंबर इक्कीस पीटल लाजर का जो रिपोर्ट थी ना निद की वो वाली बात कर रहे हैं बच्चों पीटल क्वेश्चन नंबर इक्कीस फटाफट बताइए इक्कीस में ए इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है शॉर्ट रेंज वेरी शॉर्ट तो कोई सेवा ही नहीं होती लॉन्ग रेंज होती है आपकी जो तीस दिन तक खत्म होती है तीस दिन में और ये खत्म होती है तीस मिनट में पांच मिनट से लेकर पांच से लेकर और तीस मिनट में खत्म होती है और ये तीस मिनट से और तीस दिन में और रेफरेंस सर्विस आपको पता है, रेफरेंस सर्विस है एक व्यक्तिगत सेवा पर्सनल सर्विस क्वेश्चन नंबर बाईस है आइडेंटिफाई प्लेस वेयर इफलाबाज फर्स्ट फॉर्म पे इफिला का सर्वप्रथम निर्माण किया गया नीदरलैंड में स्कॉटलैंड लंदन फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर बाईस बहुत इजी इजी क्वेश्चन लेकर आई हूँ बट इम्पोर्टेंट है ये इजी है आपके क्वेश्चन लेकिन हर क्वेश्चन के आने की संभावना उतनी ही है जितनी की बाकी क्वेश्चंस की होती है फटाफट बताइए कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सही जवाब है स्कॉटलैंड में इसकी निर्माण या स्थापना 1927 में और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नीदरलैंड की राजधानी हैग में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना स्कॉटलैंड में और रजिस्ट्रेशन नीदरलैंड चलिए क्वेश्चन नंबर तेईस है इन फंड अकाउंटिंग फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस कौन सा ऐसा फंड है जो दूसरे जगह नहीं यूज कर सकते हो रिकरिंग नॉन रिकरिंग प्रस्ट्रिक्टेड या इनकंबिंग इनकंब्रिंग असुविधाजनक फटाफट बताइए कौन सा फंड है जो आप किसी दूसरी जगह या दूसरे परपज में यूज नहीं कर सकते हो क्वेश्चन नंबर तेईस वेरी गुड स्टूडेंट्स बहुत फास्ट आप जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऐसा फंड है जो जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसी परपज में यूज करोगे और किसी परपज में नहीं गलत जवाब है क्वेश्चन नंबर वेरी गुड फटाफट बताइए बच्चों। रिकेयरिंग फंड है असुविधाजनक कोई फंड नहीं होता है ये कोई फंड नहीं होता है रिकेयरिंग होते हैं दिन प्रतिदिन के खर्चे तो दिन प्रतिदिन के खर्चे वाला जो फंड है इन फंड अकाउंटिंग फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पज इस दिन प्रतिदिन के खर्चे को आप दिन प्रतिदिन बिजली का बिल नहीं दोगे तो बिजली कट कर जाएगी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दोगे तो कर्मचारी भाग जाएंगे ठीक है अगर आप मेंटेन नहीं करोगे कंप्यूटर को या लाइट को तो लाइट चली जाएगी तो यूजर भाग जाएंगे तो बच्चों ये तो ये खर्चे हैं जो आप नहीं दोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है लेकिन नॉन रिकरिंग है जो कभी कभी होते हैं या एक बार होते हैं जैसे <coughs> बिल्डिंग है आपकी बिल्डिंग है या फर्नीचर है ठीक है तो ये जो खर्चे हैं बच्चों ये आपके ये भी कहीं उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि ये तो एक बार हो गए ये तो फंड ही एक बार मिला आपको तो कहाँ उपयोग करोगे बिल्डिंग बनने के लिए एक बार फंड मिला खर्च हो गया दैट्स ऑल फर्नीचर के लिए एक बार मिला खर्च हो गया तो ये जो खर्चे हैं ये आपके दूसरी जगह आप नहीं कर सकते हो तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका इसका आंसर होगा ए, ए रिकरिंग ए यानी कि क्या होगा बच्चों इसमें ए मतलब कि रिकरिंग खर्चा होगा आप लोग बने रहिए वीडियो पर जाइए कहीं नहीं अभी हम और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन जो आते हुए हम गलत कर जाते हैं और जो आप बोलते हो कि इस चैनल पे विनीता चौहान मैम के चैनल पे बहुत ही मैम टफ टफ क्वेश्चंस लेकर आती है तो मैंने आज स्टार्टिंग की है आपकी बहुत इजी क्वेश्चन से ये हमारी डी ट्रिपल एस बी मान लीजिए आप केवीएस मान लीजिए एनबीएस केवीएस की मान लीजिए या अपकमिंग आरपीएससी या आरएसएसबी की टेस्ट सीरीज मान लीजिए जिसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते ही आते हैं बने रहिए है चैनल पे नेक्स्ट क्वेश्चन चौबीस नंबर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर्स ऑफ प्रेसिज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है प्रेसिस में कौन कौन से रोल ऑपरेटर्स है आप प्रेसीज हो या पॉपसी हो दोनों के रोल ऑपरेटर्स याद करके जाएंगे प्रेसिस में रोल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं या किस क्रम में आएंगे सिस्टम एक्शन परफॉर्मर ऑफ एक्शन या फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर चौबीस थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है कि आपको रोल ऑपरेटर पूछ लिए गए हैं प्रेसिस के जैसे डी ई पी एम Popsi के हैं रोल ऑपरेटर मैंने बता दिए पॉप्सी का कर्म डी ई पी ए एम अब आपको यहाँ बताना है कि में कौन सा है जो रोल ऑपरेटर मेन रोल ऑपरेटर्स बताइए क्वेश्चन नंबर चौबीस वेरी गुड वेरी गुड ई सिस्टम एक्शन परफॉर्मर ऑफ एक्शन ई सिस्टम एक्शन परफॉर्मर ऑफ एक्शन है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट कोई रोल ऑपरेटर नहीं है सो द राइट आंसर इज ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसने सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन की पोस्ट क्रिएट की थी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस का प्रश्न है कई बार एग्जाम में आ चुका है तो किसने भारत में सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन की पोस्ट क्रिएट की थी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पहले यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या अहमदाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत इजी है लेकिन कई बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर ए प्रसाद ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है मद्रास यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सर्जित किया गया था 1937 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हम जानते हैं कि ऐसा रंगनाथन को आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे चिआजी राव गायकवाड़ एकेडमिक लाइब्रेरी मूवमेंट के जनक आप कह सकते हो डब्ल्यूए बॉर्डन शैक्षणिक पुस्तकालय आंदोलन को कह सकते हैं हम अ असदॉन डिकिन्सन रंगनाथन ने न केवल पब्लिक बल्कि एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट या मूवमेंट में भाग लिया था सो दैट्स वाई रंगनाथन को मॉडर्न लाइब्रेरी मूवमेंट का जनक कहा जाता है भारत में और रेफरेंस लाइब्रेरियन उन्होंने ही सबसे पहले इस पद को सर्जित किया उन्होंने ही मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे पहले रेफरेंस लाइब्रेरियन पद की नियुक्ति भी की थी सो so, आपकी यूट्यूब की क्लास है, के लिए नहीं बेटा बिल्कुल काफी नहीं है करें और पढ़ते नहीं। मैं ही टेस्ट को आपके सामने जैसा हम राजस्थान लाइब्रेरियन में आए थे वैसे मैं कंटिन्यू करूंगी इसको तो आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आज सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ जो तो एग्जाम से रिलेटेड है अब जानते हैं पिछली बार भी हमारी टेस्ट सीरीज रामबाण साबित हुई थी इस बार भी कुछ ऐसे ही रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर स्टार्ट कर दिया है हमने केवीएस डीजेबल एसबी आरपीएससी और आरएसएसबी के क्वेश्चन तो गुड बाय बच्चों ओके okay, स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल हां जो भी व्यक्ति आ, जो आप जानते हैं कि राजस्थान में सेट लागू नहीं हुई है हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में सेट लागू नहीं हुई है तो राजस्थान में सेट लागू नहीं हुई है स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें कोर्ट में बच्चे कुछ लगा रहे हैं तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के लिए आप नाइन थ्री फाइव टू फोर डबल वन नाइन जीरो टू पर व्हाट्सएप करिए एंड वी विल हम आपको आगे इंफॉर्मेशन देंगे ओके स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे अपना नंबर भी दे दीजिए भावराज सिद्ध अपना नंबर भी दे दीजिए अपना नंबर भी दीजे, दे दीजिए बच्चे आप अपना नंबर यू कैन शेयर योर नंबर आल्सो बलराम प्रसाद यू आर फ्रॉम झारखंड ओके नो प्रॉब्लम भीवराज सिद्ध आप अपना नंबर दे दीजिए आई कैन शेयर योर नंबर ऑन यूट्यूब धन्यवाद भीवराज सिद्ध बीकानेर यू कैन शेयर योर नंबर आल्सो हेयर बच्चे नंबर तो दो तुम मेरा अपना नंबर हाउ कैन आई शेयर योर नंबर चलिए ओके स्टूडेंट्स सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टेक केयर स्वस्थ रहें मस रहे आनंद करें पढ़ते रहें और जिनको भी रिट जो सेट हमारे राजस्थान में लागू नहीं किया गया है तो जिनको भी रेट लगानी है वो इस नंबर पे नाइन थ्री फाइव टू फोर डबल वन नाइन जीरो टू पर आप व्हाट्सएप करिए एंड देन मैं आपका मैसेज आगे कन्वे कर दूंगी बिकॉज अभी आई एम आई डू नॉट रिमेम्बर मुझे याद नहीं है वो नंबर तो इट्स टाइम टू से गुड बाय गुड बाय बच्चों